दोस्तों, मैं एक सांप रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे आया था, तो मेरे 10 मिनट लेट हो जाने पर इस सांप को मार दिया गया है लोगों द्वारा। और इसके मुंह से अभी भी देखो ये खून निकल रहा है, और इसको दो जगह से इसको पत्थर ईंट मार मार कर इसको बुरी तरह से काट दिया गया है, और इसकी स्किन को पूरा पूरा बेकार कर दिया गया है। और इस सांप को इतनी दर्दनाक मौत दी है, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। और इसके मुंह को कुचलने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने उनको ऐसा करने से मना कर दिया। और इसकी आंखें फोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। और अभी भी देखो हिल रहा है ये, क्योंकि 10 मिनट पहले इसको मारा गया था। तो दोस्तों, सांपों को ना मारे, क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण मित्र होते हैं। सांपों को हमेशा बचाए रखें। और दोस्तों, मैं आपको ये बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि सांपों को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं लोग। पता नहीं इनका क्या बिगाड़ते हैं ये सांप बेचारे, कुछ भी नहीं करते, बिना छेड़े बिना नहीं काटते, मगर लोग उनको देखते ही मार देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? और इसको बुरी तरह से जख्मी करके मारते हैं, और अंधविश्वास के चलते इसकी आंखें फोड़ देते हैं। और कहने का मतलब कि बहुत ही गंदा व्यवहार करते हैं इनके साथ। ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करना अच्छा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ये जब भी कोई रेस्क्यू के लिए बुलाए, तो सांप पर सिर्फ नज़र बनाए रखे। सांप पर नज़र बनाने से क्या होता है कि हम आकर उसको बचा सकते हैं, मगर लोगों ने 10 मिनट लेट हो जाने पर इस सांप को मौत के घाट उतार दिया। और ये सांप शीत निंद्रा में था, इसलिए ज़्यादा हिल ढुल नहीं पाया और ज़्यादा भाग भी नहीं पाया। तो दोस्तों, सांपों को ना मारे, मैं यही कहूँगा, आखिर तक कहूँगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए लाल कलर के बटन को दबाएं, और साथ ही घंटे वाले निशान को भी दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।